हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर एजुकेशनल चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 2 ऑफ केमिस्ट्री क्लास 10th टर्म 1 के एग्जाम में क्लास 10th के जो हमारे पास चैप्टर 2 है केमिस्ट्री का एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले, इससे टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज डिस्कस करेंगे। देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। सो सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, थोड़ा सा बोल सकते हैं बहुत लेंथी सा क्वेश्चन देखने में लगेगा, इजी क्वेश्चन है, सिर्फ समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 10 ml of solution NaOH, NaOH हमारे पास कितना है, NaOH हमारे पास 10 ml, ठीक है। उसने बोला is found to be completely neutralized by 8 ml of given solution HCl। ये न्यूट्रलाइज किससे होता है, 8 ml of किससे, HCl से, ठीक है। ये चलो इसे न्यूट्रलाइज कर दे रहा है, ठीक है। If we take 20 ml of same solution, इसी सेम सॉल्यूशन के, इसको हम डबल करते हैं, 10 की जगह NaOH को कितना ले लें, 20 ले लेते हैं, ठीक है, इजी है। सेम सॉल्यूशन NaOH, द अमाउंट ऑफ HCl, HCl कितना चाहिए, देखो ये 10 था 20 हुआ, ये 8 था 16 हो जाएगा, 16 ml चाहिए मुझे न्यूट्रलाइज करने के लिए। ऐसा ने बोला है, बताओ कितना अमाउंट चाहिए सेम रिक्वायर्ड कि न्यूट्रलाइज हो जाए, तो 16 ml चाहिए HCl। तो ऑप्शन है ये, देखो डी ऑप्शन करेक्ट है, आसान क्वेश्चन था, सिर्फ समझना था। अब देखते अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या गया है, सेकंड में इन्होंने क्या बोला गया है, सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड टू ट्रीटिंग इंडाइजेशन कॉज बाय द ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग की वजह से जो भी हमें इंडाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, वहां कौन सी ऐसी मेडिसिन यूज की जाती है, हमारी बॉडी में बोल सकते स्टमक में एसिड बनता है, तो एंटी एसिड कोई भी मेडिसिन यूज की जाती है, एंटी एसिड है ऑप्शन, देखो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, एंटी एसिड वाला है ना। अब देखते हैं अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है, थर्ड में हमारे पास क्या बोला है, दस ए सॉल्यूशन रिएक्ट Which, बोल सकते हैं मार्बल चिप्स टू प्रोड्यूस अ गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, आपने देखा होगा लाइम वाटर मिल्की जो हमारे पास CaO होता है, द सोल्यूशन कंटेन, उस सोल्यूशन में से क्या होता है कि उसे हम अगर मैं किसी भी बोल सकते पत्थर जो होता है हमारे पास उस पर हम एसिड डालें तो हमारा मिल्की कलर का बोल सकते हैं रिलीज होने लगता है, तो गैसेस निकलती है धुएं वाली बोल सकते हैं मिल्की कलर की, व्हाइट व्हाइट कलर की, तो ऐसा कौन सा एसिड है, तो हमारे पास एसिड के ऑप्शन दिए, देखो सी ऑप्शन, देखो H2SO4, ये एड करने पर हमारे पास बोल सकते हैं लाइम वाटर में हमारे पास मिल्की कलर की गैसेस निकलना शुरू हो जाती है H2SO4। एक चीज और बता दूं, अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होता है, फर्स्टली आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, देन आप, मैं आपको बता दूं चैनल पर विजिट कर क्लास 10th की केमिस्ट्री की सेकंड चैप्टर की डिटेल वीडियो वहां पर है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप अपने कॉन्सेप्ट को डीपली भी प्रिपेयर कर सकते हैं ना, कभी आपको कोई कॉन्सेप्ट में डाउट हो तो। क्वेश्चन 4 क्या है सीरीज का, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड, कौन सा ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट क्या है एथनोइक एसिड, वो तो है, फॉर्मिक एसिड वो भी है, पता है HCOOH, CH3COOH, सिट्रिक एसिड ये भी है, लास्ट के कार्बोनिक एसिड ये नहीं है, डी ऑप्शन हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, ये ध्यान रखना। ऑर्गेनिक एसिड रफली बताओ तो उन्हें बोलते हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों होते हैं, ये नहीं, कार्बन मस्ट भी नहीं है, ये ध्यान रखना, लेकिन मैं आपको रफली बता दे इस तरीके से, तो यहाँ पर कार्बोनिक एसिड नहीं होगा। फिफ्थ ऑप्शन क्या है हमारे, फिफ्थ क्वेश्चन सीरीज का, द प्रॉपर्टी विच इज नॉट शोन बाय द एसिड, एसिड चार में से कौन सी प्रॉपर्टी है जो शो नहीं करता, सेकंड ऑप्शन देखो, दे फील सोपी, टच करने पर सोपी फील नहीं होती, टच मत करना, दैट विल बी हार्मफुल फॉर अस या यू, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7-6 देखते हैं अपनी सीरीज का, इसका बी ऑप्शन था एसिड ये प्रॉपर्टी नहीं दिखाता है ना। सिक्स क्वेश्चन में क्या बोला है, द इंडिकेटर विच टर्न रेड लिटमस रेड इन एसिड सोल्यूशन, यानी लिटमस पेपर जो इंडिकेटर्स होते हैं, सॉरी जो इंडिकेटर्स होते हैं वो टर्न करते हैं रेड को, रेड इन एसिड सोल्यूशन में, वो कौन से होते हैं, एक तो लिटमस पेपर होता है, कौन सा होता है, एक मिथाइल ऑरेंज होता है, यहाँ पर ऑप्शन होगा, देखो ऑप्शन नंबर सी, देखो लिटमस और मिथाइल ऑरेंज, ये दोनों चीजें ऐसी है जो टर्न कर देते हैं। अब देखते हैं अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, द डिस्कम्फर्ट कॉज बाय इंडाइजेशन ड्यू टू द ओवर ईटिंग कैन बी कॉज बाय टेकिंग बेकिंग सोडा, एंटी एसिड की तरह बेकिंग सोडा लिया जाता है जब भी ज्यादा आपको ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम हो, गैस बनती है तब, यहाँ पर तो बेकिंग सोडा का ऑप्शन है, देखो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, है ना। और इनकी डिटेल वीडियो में कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, वहां पर बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन भी किया है, डायग्राम बनाकर अच्छे से, चाहे वो पीएचएस के लो चाहे सॉल्ट्स के बारे में डिटेल हो। सीरीज के क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, तो प्रॉपर्टी विच इज कॉमन बिटवीन विनेगर और कर्ड, दोनों चीज कर्ड और विनेगर दोनों इकट्ठे होते हैं, है ना, तो ये मतलब मैं सिमिलरिटी पूछी ना, कॉमन पूछा, कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, तो यहाँ पर है, देखो डी ऑप्शन, देखो हैव साउर टेस्ट, दोनों का खट्टा टेस्ट होता है, ये तो इजी था, ये तो अपने घर पर टेस्ट करके बता देंगे। अब देखते हैं सीरीज का क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया, द इंडिकेटर विच प्रोड्यूस अ पिंक कलर फिनोल फेथिलीन, एक यही एकमात्र ऐसा इंडिकेटर है जो पिंक कलर का हमारे पास टर्न कर देता है अल्कलाइन सॉल्यूशन में, तो क्या दिया हुआ है, सी ऑप्शन देखो फिनोल फेथिलीन दिया हुआ है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। अब देखते हैं अपनी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने क्या बोला गया है,
क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास यहाँ बोला गया सॉल्यूशन रिएक्ट विद जिंक ग्रेन्यूल। जिंक ग्रेन्यूल के साथ एक सॉल्यूशन कौन सा है टू गिव अ गैस विच बर्न विद अ पॉप साउंड। कौन सी ऐसी गैस आती है जो पॉप साउंड की तरह जलती है। बैलेंस करेंगे ZnCl2 प्लस H2, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती है जो पॉप साउंड की तरह बर्न होती है। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूछा जाता है। तो जिंक ग्रेन्यूल के साथ रिएक्शन भी पूछ सकते हैं। तो इसका H2 है ऑप्शन है यहाँ पर। देखो HCl से रिएक्शन कराएंगे, डी ऑप्शन। वो बोला किससे रिएक्शन कराएं, HCl से रिएक्शन कराएं और जो गैस निकलेगी पॉप साउंड की तरह वो हाइड्रोजन होगी। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। होप सो ये चैप्टर सेकंड की टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज आपको पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगे तो या क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट अपडेट, अच्छे अच्छे टॉपिक आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचे।